जी जी पॉइंट आ गया, मैं समझ गया। मैं आता हूँ जरा, जस्ट अलाउ मी कि मैं जरा फैसल साहब को भी जरा डिस्कशन में ले आऊँ। फैसल करीम कुंडी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और आपको मुबारकबाद इसलिए कि जाहिर है दूसरी बड़ी पार्टी आप बन गए नून लीग से डबल, हालांकि 1.5 लाख वोट कम पड़ा है लेकिन नून लीग से डबल, तकरीबन डबल सीटें हैं आपकी। ये नासिर हुसैन शाह साहब जाहिर है जिम्मेदार वजीर है, सिंध के स्पोक्स पर्सन है, तो उन्होंने ये कहा है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट PMLN ऑन द विक्ट्री ऑफ PTI। अफनान भाई ये सुने आप, उन्होंने मुबारकबाद दी है आपको PTI की जीत पर। उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन पंजाब टिल टुडे यू हैव प्लेड द रोल ऑफ द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये आपको क्यों लगता है फैसल भाई कि ये आप तो PTI के खिलाफ चले थे, ये अपोजिशन की एक और पार्टी को क्यों पड़ गए हैं आप? आप कह रहे हैं PTI की वजह से, यानी नून लीग की वजह से PTI जीती है। मैदान साहब, इसका जवाब मैं ये बहुत दूंगा। सिर्फ आपने कहा कि इलेक्शन हुए आज, मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहूंगा, अफरीन साहब की बातों में बहुत से कमेंट्स हैं, बड़ी मतलब है कि मजाया बातें भी हैं, सीरियस बातें भी हैं, लेकिन आज आज इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन साहब ने ये बात की कि मुझे एक भी धांधली की शिकायत मौजूद है। उन्होंने कहा किसी एक पार्टी ने तहरीरी शिकायत नहीं दी अभी तक मुझे। जी बिल्कुल, ये अब मैं आपको बता सकूं, आपके चैनल पे भी कल मैंने बीपर दिए थे और बाकी चैनल पे भी दिए थे, और हमारा जो सेल था उसने 42 कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे, इन रिटन, वो इन रिटन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम। बिल्कुल, आपको अगर रिकॉर्ड चाहिए मैं भी आपको एक सेकंड में व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप। तो ये तो कमाल है, क्योंकि मैं खुद भी ये देख के हैरान था कि आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं और उनको नहीं कर रहे शिकायत, और टी पे आके कह रहे हैं कि एक पार्टी मुझे एक शिकायत नहीं कर रही तहरीरी तौर पे। तो वो जो है मैं आपको बिल्कुल ऑन रिटन जो है हमारे पास सारा 42 मेरे पास ऑन रिटन पड़े, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर। ये तो कमाल है और अजीब सी बात। साथ साथ जो है कल उनने का कोई मतलब ऐसी, अब मतलब है कि साथ साथ क्या कि जी वजीराम साहब ने बड़ी ज्यादती की है, जिस वजीर को हमने कश्मीर बदर किया था साथ घुमा रहे थे, तो अभी मेरे भाई जो है PTI के कहते हैं कि जी आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की हमारे साथ बैठे बात करें, इदारों के एहतराम की बात करें। अगर इस किस्म के इदारों के एहतराम हो और इस किस्म के आप इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल आपके साथ बैठने को तैयार है, और पहले भी कह रहे थे कि आप नहीं इसमें आप रिफॉर्म करें। मतलब है कि एक तब्दीली तो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो पार्टी 13 दिन में इलेक्शन पाकिस्तान में आ चुकी है और जाके जो है ना वो कश्मीरी हुकूमत बना रही है, अभी आप देखें 13 इलेक्शन हुए जिम्मी 14 में से 13। शहरयार भाई मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फैसल भाई आपको पता है ना कि आजाद कश्मीर में तो यही होता है, पैटर्न ही होता है, जो इस्लामाबाद का फात होता है मुजफ्फराबाद उसी को वोट देता है, ये तो पैटर्न है। हम तो अभी भी हमारे तो अभी भी दो उस पे जो है वो दो सीटों पर हमारी अभी रिकाउंटिंग है, और एक पे जो 28 को री इलेक्शन हो रहा है 4 पोलिंग स्टेशन पे, उन पे ये भी हमारी मतलब है कि वो डिमांड थी कि इस पे जो है एहतजाज भी किया था हमारे पार्टी के दोस्तों ने। अब ये है कि अब आपने बात की, देखें मैं यही कह रहा था, आप नून लीग को क्यों जिम्मेदार समझते हैं, सवाल में रहता है नून लीग ने क्या बिगाड़ा है आपका? अब आप आपके सवाल के जवाब मासूमाना सवाल, देखिए अगर आज कोई डेढ़ की जमात इकट्ठी होती, अपोजिशन इकट्ठी होती, तो आज ये आपको न कहना पड़ता कि मरकज में जिसकी हुकूमत है वो कश्मीर में हुकूमत बनाती, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी अगर हो जाता, अगर इसके बावजूद भी जिस किस्म का इलेक्शन इन्होंने धांधली ज्यादा कराया और पहली दफा वायलेंस ज्यादा इलेक्शन कश्मीर में हुआ, इसके बावजूद मैं समझता हूँ अगर PDM होती और उसको PMLN के और JUI के दोस्त न तोड़ते तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही हम एक वहाँ पर हुकूमत बनाने, आज PDM होती तो आप लोग हुकूमत बना सकते थे वहाँ पे आजाद कश्मीर में। मैं कहता हूँ हम यही कह रहे थे तो सर, अभी कल तो हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, तब PDM थी, तब आप चाय पिला रहे थे एक दूसरे को, लेकिन कहाँ जीते, आपकी 5 उनकी 3 और इनकी 25। एक मिनट, फोन की ऐसी निकल गई, हाँ वो उसको बेचारे को आपने फंसा दिया, घर की तरफ निकल गई। अब मसला ये है कि मैं ये बताऊं कि उसमें कुछ सीटों पे हमारा इतिहाद हो सकता था, कुछ सीटों पे हमारा इतिहाद नहीं हो सकता था, जरूरी नहीं है क्या मौका था, इलेक्शन के बाद भी अलायंस हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन क्या मतलब है इस बात का? अफरीदी साहब मैं आपके दरमियान नहीं बोला, मेरे ख्याल में आप अगर मुझे सुन ले, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आप सुन लें, ये तो आपकी पार्टी का वो है ना कि आप लोग भाई मैं सुन रहा हूं। आप कम से कम सुन ले, पीपल्स पार्टी औरों को सहारा ना बनाए, पीपल्स पार्टी खुद अपनी पहचान बने, मैं ये कह रहा हूँ सर। हमें पता है ना, आप जिस दुनिया जान के जो लोटे आपने जमा किए हैं और उसका मजमू जमा किया, कहते आपसे नजरिया भुट्टो का था, जो आप लकड़ी को खड़ा करता था जीत जाता था, आप तो लोटे ले आते हैं, फिर कहाँ कहाँ से आपने लोटों का मजमू जमा किया है। अब मुझे बताएं कि अफरीदी साहब ने कहा कि करप्शन, क्या चीनी चोर करप्ट नहीं है, क्या आटा चोर करप्ट नहीं है, क्या बिलियन ट्रीज वाले करप्ट नहीं है, क्या हेलीकॉप्टर पेस वाला करप्ट नहीं है,
ये सारे करप्ट जो आपके साथ, या रिंग रोड वाला करप्ट नहीं है, अब ये कहते हैं हमारे तो इनका वारदात तरीका क्या है कि अपने लोगों से डाके डलवाते हैं, चोरियां करवाते हैं, फिर एक कमीशन बनाते हैं और उनको क्लीन चिट दे देते हैं कि हमारे लोग से बिल्कुल पाक साफ है, धुले हुए हैं जो है, मतलब दमदम से कुछ भी चीज नहीं है। तो डाका भी डलवाते हैं, चोरियां भी करवाते हैं, फिर उनको साफ भी कर लेते हैं। इनकी वॉशिंग मशीन जो है ओवर टाइम काम कर रही है। लेकिन फैसल कुंडी साहब, मैं ब्रेक की वजह से बात करता हूँ, अगर ये इन्होंने लोग लिए वो गलत है, तो क्या ये काम आजाद कश्मीर में ही, पाकिस्तान में तो छोड़ दें, आजाद कश्मीर में ही ये काम इलेक्शन में आपने नहीं किया था? आजाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन का मैदान सचता है, जिस पार्टी की इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, सारे जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो उस पार्टी की तरफ चले जाते हैं और पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह जीत जाती है। ये काम आपने भी किया था, तो अगर आज आप शहरयार साहब को इस बात का ताना दे रहे हैं, तो आप या तो कहें ना कि यार हमने आज तक ये काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी पार्टी ने किया। हम तो बुरे लोग थे, ये तो पाक साफ लोग थे, ये तो बगैर जमजम के धुले बंदे को लेते नहीं थे, जिस जो जमजम से धुले होते उसी को लेते हैं। तो कहते हमारे पार्टी में तो बिल्कुल ही चोर और शहरयार साहब, उन्होंने मेरा आर्ग्यूमेंट का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या क्या कि भाईजान चलो हम तो है ही बुरे लोग, और दसो अब मैं इसके आगे क्या कहूं? पता है ना इनके पास होने का, जाओ हम हैं बुरे लोग, अब मैं आगे क्या कहूं? अब तो ब्रेक ही लेता हूं, फिर हम तो कहते देखें, हम तो कहते मुझे रिस्पोंड करने का टाइम जरूर दीजिएगा, बल्कि इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया आपने, नहीं किया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज। पहुँचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।